हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। लेट अस कंसीडर अ कर्व y इक्वल टू fx पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,2 एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट x fx इज गिवन y। ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, fx को क्या कहेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा इक्वेशन होल्ड करेगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, fx को क्या लिखते हैं y। ये इक्वेशन इस तरह से है, यानी गिवन या लेट ही कर लीजिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, गिवेन एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये जो गिवेन है हमारे पास वो क्या हो गया, वाई प्लस एक्स डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड दे देते हैं तो ये क्या हो गया, डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू एक्स। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड किए तो ये हो गया। अब ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर पी डी एक्स, पी है आपका 1 बाय एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, यानी ई टू द पावर लॉग एक्स, सो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया x। तो सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू एक्स इक्वल टू y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, ये है आपका q x और इंटू x dx, तो y x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाय थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब हमको सी का वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए, तो अब यहां कह रहा है कि एट -2,2। ठीक है, तो वाई का वैल्यू कितना है यहां पे 2 और एक्स का वैल्यू -2, यानी दिस कर्व पासिंग थ्रू -2,2, यानी इक्वेशन 2 पासिंग थ्रू -2,2, इसका मीनिंग सेटिस्फाई करेगा, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू एक्स क्यू हो जाएगा आपका -2 का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी, तो सी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, ये हो गया -4 और ये हो गया -8/3, तो इस साइड ले आएंगे तो +8/3 इक्वल टू सी, तो ये हो गया -4/3 इक्वल टू सी, यानी सी इक्वल टू -4/3। तो आपका जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन हो गया वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यू बाय 3 और सी का वैल्यू है आपके पास -4/3, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3xy इक्वल टू एक्स क्यू -4, ये आपका सॉल्यूशन बन रहा है। सो 3xy इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x और y के प्लेस पे फिर एफ एक्स रख दीजिए, y के प्लेस पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू -4, दैट इम्प्लाइज एक्स क्यू -3x एफ एक्स -4 इक्वल टू 0, ये आपका रिजल्टेंट डिफरेंशियल रिजल्टेंट कर्व बना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, एक्स क्यू -3x एफ एक्स -4 इक्वल टू 0, ये सी ऑप्शन दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।